दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों हम समाज में देखते हैं दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के। पहले वो जिन्हें सम्मान मिलता है और दूसरे वो जिन्हें अपमान मिलता है। सम्मान किन्हें मिलता है और अपमान किन्हें मिलता है, इसके बारे में आपकी मेरी वीडियो है। ये मोटिवेशनल वीडियो है मेरी आज की, बहुत ही इफेक्टिव है वीडियो मेरी। आप पूरी वीडियो देखें और ध्यान से समझें आप, यदि आपको समाज से सम्मान लेना है। तो सम्मान उनको मिलता है जो अपनी युवावस्था में तपते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और अपमान उन्हें मिलता है जो आलसी होते हैं, अपनी युवावस्था में मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, उनको अपमान मिलता है। कैसे? मैं कहानी है, एक मेरी सांकेतिक कहानी है, उसको आप समझें आप। यदि आपने समझ लिया, समझने के बाद आपने उस पर अमल कर लिया, तो आपको समाज में सम्मान मिलेगा। सम्मान समझिए, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपको। एक शिल्पकार, शिल्पकार जानते हो जो पत्थर से मूर्ति बनाता है। एक शिल्पकार पहाड़ों के पास गया और पहाड़ों के पास जाने के बाद वहाँ से पत्थर चुन के लाया। वो उसे कुछ मूर्तियाँ बनानी थी, और जैसे अपने उसके पास जानते हो अब उसके शिल्पकार जो होते हैं मूर्ति बनाने वाले, पत्थरों से किसे जो पत्थरों को तराशते हैं, वो छेनी हथौड़ी इस तरह के छोटे छोटे उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसने तैयारी की, अपना डिब्बा खोला, जो बक्सा था जिसके अंदर उसके इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे जिनसे इस्तेमाल करना था मूर्ति बनाने में। उसने क्या किया, वो बैठ गया एक चौराहे पर। उसका जो मकान था वो चौराहे पे था मकान, तो उसने पत्थर उठाया पहला। तो उसने पहला अपनी छेनी हथौड़ी फथौड़ी निकाली और उसने मूर्ति बनाने की जो सोची थी दिमाग में, बनाऊंगा एक सुंदर सी स्टेचू बनाऊंगा मैं। तो उसने स्टार्ट किया, जैसे उसने छेनी रखी और छेनी पे हथौड़ी मारी, तो एक मतलब चोट, हथौड़ी में चोट मारी, तो उसे एक आवाज सी लगी, एक एहसास सा हुआ कि आवाज़ एक दुखी, एक दर्द की सी आवाज़ आ रही कहीं से, एहसास सा हुआ कुछ उसे। फिर दोबारा उसने चोट मारी हथौड़ी से, फिर दोबारा उसे एहसास हुआ कि शायद एक दर्द की आवाज़ आ रही है, एक कष्ट की आवाज़ आ रही है। तो उसने क्या किया, वो पत्थर फेंक दिया, एक एहसास सा हुआ था उसे ये। उसने फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर उसने सोचा चलो इससे बना के देने की मैं करता हूँ ट्राई। जो शिल्पकार जो होते हैं एक बार नहीं बना पाते स्टेचू या मूर्ति, ये इनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है इन्हें, और तपते हैं ये, उसके बाद ही बनाते हैं मूर्तियाँ। फिर दूसरा पत्थर उठाया, उसको पत्थर उठाने के बाद में उसने वही काम किया, सुंदर सी स्टेचू बनानी थी उसको, जिसको सभी सराहे। उसने वही एक्सपेरिमेंट किया जो पहले वाले पत्थर पर किया था, उसने वो स्टेचू पत्थर लेने के बाद उस पर हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल किया, करता रहा करता लगातार, कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा बिल्कुल, शांति से अपनी मूर्ति बनाता रहा, तराशता रहा वो, और बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बन गई। वो सुंदर सी मूर्ति बनने के बाद उसने वहाँ पर एक चौराहे पर रख दी मूर्ति, चौराहे पर वो मूर्ति रख दी, वो सुंदर थी, बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव। और वो पत्थर जो पहला वाला जो था, जो कष्ट से बिलबिला रहा था, वो पड़ा हुआ था वहाँ ऐसी। जो रास्ते में आने वाले सैकड़ों आदमी होते हैं, सैकड़ों आदमी रोज़ निकलते हैं, तो वहाँ जो उस पर पड़ा हुआ था पत्थर, ज़मीन पर पड़ा हुआ था पहला वाला, उसमें ठोकर लगती और उधर नहा जाती जो मूर्ति थी, स्टेचू बनी हुई थी पत्थर से, उसको देखते ही बोलते जो भी निकलता उधर से, वाह क्या मूर्ति है। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा लगातार। सैकड़ों पैसेंजर वहाँ से निकलते थे, यात्री निकलते थे वहाँ से, तो वही हाल होता था, जो भी निकलता वो इसमें लात मारता पहले वाले में, दूसरी मूर्ति देखता कहता वाह क्या सुंदर मूर्ति यार, किसने बनाई ये मूर्ति, बड़ी गजब की मूर्ति स्टेचू है ये, इसको तो लगता है मन करता है इसको ले जाऊँ अपने घर पर रखूँ मैं। खैर रात की बात थी, दोनों पत्थरों बात की, वो पत्थर जो उसमें लात पड़ती थी वो कहने लगा, यानी अपमानित होता था उस पत्थर ने कहा उससे, भाई ये बता तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, हमारी तेरी जाति एक है, दोनों हम एक जाति के हैं, पत्थर जाति के हैं हम, यार मेरे पड़ा हुआ रहता हूँ यहाँ पर शांति से, मैं खुशी से कुछ नहीं कहता, फिर भी मेरे में आते हैं लोग लात मारते हैं मेरे में, और तेरी तरफ देख के बोलते हैं वाह क्या शानदार है। तो आखिर बात क्या है, ये इतना अंतर क्यों मेरे तेरे में, पत्थरों में क्या अंतर, इतना अंतर क्यों आ गया ये। तो उससे स्टेचू वाला जो से जो बनी थी हमारी पत्थर से, तो स्टेचू ने उससे जवाब दिया, उसको ध्यान दें बाब, जो आपके लिए मेरा मैसेज है मेरा। उसने कहा देख भाई, जो मूर्तिकार तुझे भी उठा कर लाया था पहाड़ों से, मुझे उठा कर लाया था, दोनों हम एक से थे हम, और तुझको मूर्ति बनाने की उसने कोशिश की, तो तूने अपने दुखड़ा रो दिया,
तूने कष्ट क्या एहसास करा दिया उसको, मूर्तिकार को, तो छोड़ दिया। मैं पिटता रहा, कटता रहा, छिलता रहा लगातार, पर मैंने अपने कष्ट को और जो मेरे ऊपर दुख था उसको एहसास नहीं होने दिया मैंने। इसलिए मैंने कष्ट सहे, मैं तपा हूँ, इसलिए लोग मेरी तारीफ करते हैं। तैंने कष्ट नहीं सहे, तू तपा नहीं, तैंने कोई परिश्रम नहीं किया, इसलिए तेरे जो आज तेरी दुर्दशा हो रही है। जो भी दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब इस बात को समझ लें आप, जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वो सम्मान प्राप्त कर लेगा, और जो परिश्रम नहीं करेगा, आलस करेगा, सोचेगा कल कर लेंगे, छोड़ यार फिर कर लेंगे, टालते रहेंगे, तो वो असम्मान मिलेगा, उनको नहीं मिल पाएगा। तो मैंने आप बताइए, आपके यदि समाज में समाज सम्मान उन्हीं का करता है जो सम्मान के पात्र होते हैं। यदि आप सम्मान का पात्र बनना है तो आप परिश्रम करें, यही आपकी एज है, युवावस्था है, और परिश्रम करें और हिम्मत से काम लें और धैर्य रखें। मैंने वीडियो के माध्यम से जो आपको मैसेज दिया है कि सम्मान किनको मिलता है और अनादर किनका होता है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं मुझे आपको। जय हिंद, जय भारत।